जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर भर में गणेश उत्सव की धूम रही। सुबह से शाम तक घरों और शहर के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने गाजे बाजों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद शुरू हो गया उनकी पूजा अर्चना का दौर। श्रद्धालुओं ने खुशी और उत्साह के साथ भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित कर मोदक का भोग लगाया। इस दौरान चारों ओर श्रद्धा भक्ति की बयार बहती दिखी। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर युवा हों, सभी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। अब ये हमारा 27वां साल है जो हम किले चौक पे भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं। 11 दिन का प्रोग्राम होता है, इस साल 10 दिन का प्रोग्राम है और 28 तारीख को विसर्जन होएगा गणपति गणेश जी का यमुना जी में। और बीच में हमने 26 तारीख को साई संध्या का प्रोग्राम रखा है जो यहीं पर भगवान गणेश जी के दरबार में रख किया जाएगा। गणेश जी की प्रतिमा हम पुणे से, महाराष्ट्र पुणे से मंगवाई है। बहुत प्यार से सभी मिलजुल के इसको गणपति जी को लाते हैं और विसर्जन करने भी बड़ी अच्छी तरह, बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं इसको और लेके जाते हैं। और सभी मिलके हमारी पूरी गली, पूरा मोहल्ला सभी मिलके लेके आते हैं। ये नहीं कि हम सब एक बंदा लेके आता है, सभी लेके आते हैं और सभी अच्छे से इनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं पानीपत के देवी मंदिर से, जहां पर गणेश उत्सव की धूम है, जो सालों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें पानीपत के किला क्षेत्र की है, जहां पर 27 सालों से गणेश उत्सव मनाया जाता है। वहीं गणेश उत्सव मना रहे लोगों ने बताया कि कैसे गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या कुछ इतिहास है। पहले ये गणपति क्या है मतलब किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ पता था महाराष्ट्र के लोगों को और महाराष्ट्र में। बम्बई में प्रोग्राम देखते दगड़ो हलवाई का, फिर बम्बई का लाल बाबा का, तो टीवी में देख के लोग भी जागरूक हुए हुए। आज के युग में इतना गणपति है पानीपत में कि जमुना पे जाओ विसर्जन करने के लिए टाइम नहीं, नंबर नहीं आता। तो ये हमने 27 साल पहले इसकी स्थापना करी थी और उच्चतम न्यायालय आए थे, वो महाराष्ट्र से थे, चंडीगढ़ से। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ बच्चे, हमारा एक भाई बहन वकील है, फिर ऐसे हमने बहुत कष्ट करके हुए ये प्रथा चालू करी, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अच्छी बात है, अब हमें बतेरा सहयोग करते हैं, इतना सहयोग करते हैं, इसका प्रसाद लड्डू जो इतना आता है उसका कोई ठिकाना नहीं। हिंदू लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणपति की स्थापना करी थी, जागरूक करने के लिए। पहले क्या करते थे, ये गणपति का प्रोग्राम नहीं था, हिंदू को इकट्ठा करना है तो एक दूसरे के घर के ऊपर पत्थर मारना, फिर उसको ने आपने जो भी उनका बैठने का था वहाँ आना। फिर ये जब गणपति की जो स्थापना करी तो उसके बाद फिर ये इकट्ठे होने के बाद और मराठा महाराष्ट्र से आके हमारी हिंदू कौम बचाने के लिए शिवाजी ने भी यहाँ बड़ी कुर्बानी दी है काले आम पे। जानकारी देते हुए भक्तों ने बताया कि ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद 28 तारीख को गणेश विसर्जन किया जाएगा। वहीं भक्तों ने बताया कि पहले लोगों को इस उत्सव के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब लोग इसे बड़े ही आस्था के साथ मनाते हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।